तो हाँ जी, आपने कभी न कभी साबूदाना खाया या उसका नाम तो जरूर ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर साबूदाना बनता कैसे है? तो आज मैं इस वीडियो में साबूदाना बनने की पूरी प्रोसेस को दिखाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि साबूदाना टापियोका यानी कि कसाबा के पौधे के जड़ों से बनाया जाता है, और टापियोका शकरकंद के ही प्रजाति से आता है जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। और साबूदाने के अंदर कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारे विटामिन मौजूद होता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। साथ ही साबूदाना स्वाद में भी काफी अच्छा होता है, और साबूदाने को व्रत के समय काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों का तो यह मानना है कि साबूदाना वैसे ही उगाए जाते हैं जैसे चावल और गेहूं उगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर साबूदाना बनता कैसे है। साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले वर्कर्स कसाबे के जड़ों को हार्वेस्टिंग करके अलग कर देते हैं, और इसके जड़ों को कसाबा रूट्स कहा जाता है। अब इनके जड़ों को फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर इसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से धीरे धीरे आगे भेजा जाता है, और इसे पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। अब अगले प्रोसेस में इसे पीलिंग मशीन में डाला जाता है जो कि इन फलों के ऊपर मौजूद सारे छिलके को हटा देती है, और कई जगह तो यह काम हाथों से भी किया जाता है। अब इसे एक बार फिर से पानी से धोकर साफ कर लिया जाता है। धो लेने के बाद इनका रंग दूधिया सफेद हो जाता है। इसके बाद इन छिले हुए कसाबा रूट्स को ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है जो इसे अच्छी तरह से पीस देती है, जहां पर इसे ग्राइंड करते हुए इनमें पानी भी मिलाया जाता है। ग्राइंड होने के बाद यह दूधिया रंग का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इस पेस्ट में काफी अधिक मात्रा में फाइबर और स्टार्च मौजूद होता है जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है, और इसीलिए इसमें मौजूद फाइबर और स्टार्च को रिफाइन करके अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद इसमें मौजूद पानी को नाली की मदद से बाहर कर दिया जाता है, और जो फाइबर होता है उसे पल्प मशीन के द्वारा बाहर कर लिया जाता है। अब बचे हुए गुदे को तब तक सुखाया जाता है जब तक कि उसमें मौजूद नमी 12% तक न रह जाए। सूखने के बाद यह गुदा बड़े बड़े चट्टानों के रूप में दिखने लगता है, और इसे फिर से मशीन में डालकर पीसा जाता है जिसमें हमें अरारोट प्राप्त होता है। यदि आप अरारोट के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अब इस अरारोट को कन्वेयर बेल्ट की मदद से साबूदाना का शेप देने वाले मशीन में डाला जाता है, और यह मशीन अरारोट को 1 mm से 7 mm तक के गोलाकार शेप में बदल देती है। तो इस प्रकार साबूदाना बनकर तैयार हो जाता है। अब इस साबूदाना को अलग अलग कलर और साइज वाले पैकेट में डालकर पैक कर दिया जाता है जो कि मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप जानना चाहते हैं कि मखाना बनता कैसे है तो लेफ्ट वाली वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।